आगामी 22 फरवरी को योगी सरकार अपने कार्यकाल का पांचवा और अंतिम बजट पेश करेगी। अगले बरस यानी वर्ष 2022 में असेंबली चुनाव होने हैं, इस लिहाजा यह बजट चुनावी बजट होगा। देश और दुनिया में फैली वैश्विक कोरोना महामारी झेलने के बाद योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, इसलिए कोरोना काल में चौपट हुए कारोबार को देखते हुए व्यापारियों को योगी सरकार ने काफ़ी अपेक्षाएं हैं। उन्हें उम्मीद है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर उनके द्वारा यह बजट पेश किया जाएगा, जिससे कि जनता को राहत मिल सके। आई इंडिया ने आगामी 22 को योगी सरकार के आने वाले बजट को लेकर विभिन्न कारोबारियों से बात कर उनकी राय जानी। जानिए वो क्या बोले। प्रदेश की योगी सरकार का 22 फरवरी को चौथा बजट पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी उम्मीदें जगी हैं कि उन्हें छूट दिया जाए। ऐसे ही व्यापारियों से आई इंडिया ने जाना कि क्या है उनकी प्रदेश सरकार से उम्मीदें। रेडीमेड व्यापारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि योगी सरकार के बजट में व्यापारियों को टैक्स में छूट और बेरोजगारों को रोजगार देगी। हम उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार से कि टैक्स में कुछ छूट दी जाए व्यापारियों को, जिससे कि महंगाई में थोड़ी सी कमी हो सके और युवाओं के लिए रोजगार, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में, जो बेरोजगार हैं युवा, और प्रदेश सरकार रोजगार की व्यवस्था करे। व्यापारी जीवेश सहानी का कहना है कि कोरोना काल में ऑटो सेक्टर मंदी से जूझ रहा है, इसलिए सरकार को रजिस्ट्रेशन में राहत देनी चाहिए, पेट्रोल पदार्थों की कीमतें भी कम होनी चाहिए। प्रदेश सरकार के बजट से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि जैसे ऑटो उद्योग अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो जो ऑटो में टैक्सेशन राज्य स्तर से जो लगते हैं उनमें राहत होनी चाहिए। वो आरटीओ से कहने का मेरा अभिप्राय है कि जैसे आरटीओ राज्य के अधीन है, तो जब रोड टैक्स उस आदमी को देना ही है, फिर टोल भी देना है, टोल केंद्र के अधीन आता है, लेकिन राज्य की सरकार को आरटीओ के जैसे रजिस्ट्रेशन के जो शुल्क आज प्रतिशत में 8% चले गए हैं, वो गाड़ी की कीमत को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर मोटरसाइकिल भी किसी आम आदमी को खरीदनी है तो उसे सोचना पड़ता है, उसमें उसे राहत मिलनी चाहिए। बाकी सरकार से जो मेरा अनुरोध है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में यदि वो चाहे सार्वजनिक वाहन का उपयोग हो, लोग व्यक्तिगत वाहन भी अपना इस्तेमाल कर सकें और कोरोना काल में सार्वजनिक वाहनों में भीड़ ना रहे, तो ये अवसर ऐसे कोरोना काल के ही लिए भले करें, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी उन करों में छूट आनी चाहिए कि पेट्रोलियम थोड़ा सा सस्ता हो कि आम जनमानस सुरक्षा पूर्वक अपने साधनों से चल सके। व्यापारी विवेक वाड्रा ने बताया कि योगी सरकार के बजट में व्यापारियों को छूट देनी चाहिए, जिससे वो जनता को राहत दे सके। हम अपेक्षा रखते हैं, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं हम लोगों को टैक्स में छूट मिले, ताकि हमारे पर छूट मिले तो हम आगे जनता को वो छूट दे पाएँ टैक्स में, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे ये कोरोना काल के बाद बिजनेस बहुत इफेक्टिव हुए हैं, दिन पे दिन जैसे पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, इसको भी सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे और इसके रेट में थोड़ा कम करे, ताकि आम आदमी पे बोझ कम पड़े। फुटवेयर के व्यापारी राजीव भसीन ने बताया कि कोरोना काल के बाद आने वाले योगी सरकार के बजट से व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। अपेक्षा भैया यही रखते हैं यूपी गवर्नमेंट से, अपने माननीय योगी जी से, कि कोरोना काल के बाद हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि होली सिर पर है, उसके बाद भी बाजारें सूनी हैं। हम बजट से यही उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में रिबेट हम लोग को दे सकें, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकें। रेडीमेड व्यापारी जीतू रस्तोगी ने बताया कि कोरोना काल में भी व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, इसलिए सरकार से अपेक्षा है कि वो आने वाले बजट में व्यापारियों को टैक्स में कोई विशेष छूट दे। देखिए, अपेक्षाएँ तो बींग व्यापारी हमको बहुत सारी हैं, चूँकि हमने अभी देश का भी बजट देखा है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और वो बहुत ही अच्छा बजट है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार भी जो बजट पेश करे वो हम व्यापारियों को थोड़ा सा ध्यान में लेके, क्योंकि हर तबके का ख्याल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं, तो लेकिन व्यापारियों का मैं देखता हूं कि हमेशा से उपेक्षा रहती है, वो हमेशा उपेक्षित रहते हैं। सभी को कोरोना काल में राहत दी गई, और सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि पिछले साल जो त्रासदी हम लोगों ने पूरे विश्व ने झेली है, उसके बावजूद इतना अच्छा बजट, इतनी स्वास्थ्य पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। लेकिन जो हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, जो हम लोग बैकबोन हैं, जो हम टैक्स देते हैं, व्यापारी को हमेशा केवल व्यापारी गिना जाता है, छोटे और बड़े व्यापारी अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो व्यापारी तो सभी एक ही है ना, सभी टैक्स देते हैं,
और उन्हीं उसी टैक्स से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और इनफैक्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से चलता है। तो हम लोग जो टैक्स पेयर हैं तो हम लोगों को भी तो कुछ राहत चाहिए। हमें कोरोना काल में कोई राहत नहीं दी गई, ना हमारे वकील ने दी, ना सीए ने दी, ना सरकार ने दी। तो हम अपेक्षा तो यही रखते हैं कि कुछ ऐसी छूट, कुछ ऐसी विशेष छूट हम लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे जिस छूट को हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने ग्राहकों को देंगे, तो वो हम भी एक पैरेलल स्टेज बन जाएंगे अपने कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाने तक। यानी जो सरकार से फ़ायदा आएगा वो हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे, तो ये भी मुझे लगता है कि एक जनसेवा ही होगी। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।